नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज चौगामा की आवाज़। मुजफ्फरनगर में कचहरी परिसर स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे दी ब्राह्मण ट्रस्ट के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी, जहां पहुंचकर उन्होंने अवगत कराया कि मालवीय चौक स्थित महामना मालवीय इंटर कॉलेज के छत जर्जर स्थिति में पहुंच चुकी है, वो कभी भी गिर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि इसके निर्माण में कुछ लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। जिलाधिकारी से मांग की गई है कि विद्यालय में छत निर्माण का कार्य करने की अनुमति दी जाए, जिससे कि जर्जर हो चुकी छत की मरम्मत करा ली जाए। ट्रस्ट के सदस्य योगेश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी दिनों में छात्राओं की बोर्ड परीक्षाएं भी शुरू होंगी और उसके बाद लोकसभा का चुनाव भी विद्यालय में होता है, कभी भी कोई भी दुर्घटना घट सकती है। उन्होंने आगे कहा कि छत के निर्माण में कुछ लोग बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मेरा नाम योगेश शर्मा है। ये हमारी संस्था है दी ब्राह्मण ट्रस्ट, उसके अधीन आता है एमएम इंटर कॉलेज का जो मुख्य द्वार है उसके पश्चिम छोर की जो ऊपर की छत है वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त है। हमारे जो प्रबंधक थे कर्नल आरडी शर्मा जी, उनका देहांत हो चुका है और जो कॉलेज की कमेटी थी, ट्रस्ट की कमेटी थी, उसका भी कार्यकाल समाप्त हो चुका है। अब जो है बोर्ड की परीक्षाएं सिर पर हैं और लोकसभा के चुनाव का भी मतदान स्थल है, तो हम ये चाहते हैं कि जो ये ऊपर दीवार, ये जो छत इसकी क्षतिग्रस्त है, ये हम ठीक करा लें। कुछ लोग इसमें अड़ंगा रहने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से क्या चाहते हैं डीएम साहब से आप? कि हमें आज्ञा प्रदान कर दे कि ठीक करा लो, हम ठीक करा लेंगे। वो तो जनता के सुविधा के अनुसार, जनता की भलाई के लिए है। कौन लोग हैं जो इसमें अड़चन लड़ा रहे हैं? ये तो पता नहीं है कौन है जो है। कोई आ जाता है कहने हम ये हैं, हम वो हैं। क्या बात हुई जिलाधिकारी से मिले? उन्होंने जिला विद्यालय निरीक्षक के लिए लिखा है। ठीक ठीक।